आजकल कितने वेले हो गए ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक दूसरे को स्टॉक करते हैं। कुछ प्रोडक्टिव काम क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि तू कर रहा है। और क्या? ओ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? थैंक गॉड तुझे इतनी बात समझ में तो आई। वैसे मुझे एक बात बता, तुझे टिया से क्या प्रॉब्लम है? मेरा पहला प्रॉब्लम ये है कि वो अंग्रेजों की तरह बहुत बात करती है। कटा सम स्लैक यार, वो लंदन में पैदा हुई है इसलिए वो अंग्रेज होगी। गैराज में पैदा होती तो गाड़ी बनती क्या? ओ मैं जानता हूं आपको भी इस पर थोड़ा डाउट है। देख मुझे बस इतना लगता है कि वो शिवाय के लिए परफेक्ट नहीं है, और मैं क्या सोचता हूँ, तू क्या सोचता है, हम क्या फील करते हैं, दैट डजंट मैटर। मैटर करता है कि शिवाय क्या सोचता है, और उसे टिया पसंद है। पसंद है पर वो उसे प्यार नहीं करते। जब वो प्यार के कॉन्सेप्ट में ही बिलीव नहीं करता तो हम ये डिस्कशंस क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी उसकी सगाई होने वाली है। ओ नो, अगर रिंग्स एक्सचेंज हो गई तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। मतलब भैया को अगर अपनी चॉइस चेंज करनी है तो मौका सिर्फ अभी है, इसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पाए। इसी बात पे एक शेर याद आया, अर्ज करो सुन लो। जब तक हो सिंगल दुनिया बदल, जब तक हो सिंगल दुनिया बदल लो। सुनो मेरे भाई, टीवी का चैनल भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर हो गई सगाई। यार फेस पैक खराब मत करो। ओ माय माता गुग्गी, मैंने तुझे क्या कहा था, सीता राम की मूर्ति लेकर आना, और तू क्या लेकर आई? सीता राम ड्राइवर, बेवकूफ, कभी तो अकल का इस्तेमाल कर लिया कर, जा मूर्ति लेकर आ। और सीता राम का मैं क्या करूं? अचार डाल इसका अचार। कहां से पकड़ कर लेकर आई इसको? पूरे एक महीने से चिल्ला रही हूँ कि घर में सगाई है, एंगेजमेंट, लेकिन आप लोगों के कानों में चू तक नहीं रेंगती है। होल वर्ल्ड देखने वाला सगाई की फोटो, और आप लोगों ने भद्दी सी क्रोकेरी बिछाई हुई है। कहाँ है वो नई वाली क्रोकेरी जो मैं लेकर आई थी? उसे लगाओ। फूल आए? जी मैडम फूल आ रहे हैं। आ रहे आएंगे, मेरे चौथे तक तो आ ही जाएंगे ना, उस दिन मेरे सर पर बरसा लेना ठीक है। और वो कोरियोग्राफर कहाँ मर गया? रिहर्सल मैं कराऊंगी क्या फंक्शन की? फोन लगाओ कोरियोग्राफर को, ये कोरियोग्राफर भी ना टाइम से नहीं आए। पिंकी इट्स कोरियोग्राफर, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। शिवाय सिंह ओबरॉय, तू शिवाय सिंह ओबरॉय, इसलिए तुझे लगता है कि तेरा नेचर पे भी कंट्रोल है। प्लीज उसकी तरह बात मत कर। किसकी तरह? डोंट इवन आस्क। ऐसा कौन करता है? मुझे गोबर बुलाया? गोबर? आई कांट बिलीव इट, वो मेरे ऊपर काउडंग फेंक रही थी। मिस्टर अंग्रेज, उसे गोबर कहते हैं, गोबर। हाँ है, वोंट से दैट वर्ड, ओके? वो लव से भी ना मुझे बदबू आती है। तो अच्छा वो मैंने डक कर लिया, और वो काउडंग जाके ना वो साइड पे लगा। उसके बाद ही वो रुकी नहीं। क्या? उसने फिर से तेरे ऊपर गोबर फेंका। डोंट स्टॉप सेइंग दैट वर्ड। यार तुम ओबरॉय के गोबर से प्रॉब्लम क्या है? अरे लोग अपने हाथ से गोबर उठाते हैं और गोबर के उपलों से खाना पकाते हैं, और तुम लोग को पास एक गोबर शब्द से इतनी तकलीफ हो रही है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था यार, मुझे नीचा दिखाने के लिए उड़ गए हेलीकॉप्टर में। अनिका आजकल हेलीकॉप्टर कौन बोलता है? इट्स कॉल्ड चॉपर। मैं तो हेलीकॉप्टर ही कहती हूँ, और मैं हेलीकॉप्टर ही कहूंगी, हेलीकॉप्टर। चॉपर, चॉपर। हाँ उसे बताना तो था कि उसने शिवाय सिंह ओबेरॉय से पंगा लिया है। शिवाय ऑल सेड एंड डन, लड़की में गट्स तो है। वो तो बहुत है मुझ में, मैं क्या किसी से डरती हूँ? अनिका वैसे भैया को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने एक ही चॉपर बुलाया, मुझे दो चॉपर बुलाने चाहिए। आई जस्ट होप कि मुझे उसकी शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े। आई एम सॉरी प्रियंका, वो तेरा भाई है लेकिन बड़ा बदतमीज है, बिगड़ी हुई है, ब्लडी लो स्टैंडर्ड। और बाल कैसे सही करता है? हाथ में चप्पल लेकर खड़ी रहती है। हाइट भी थोड़ी कमी है। आईक्यू जीरो है उसका। पागड़ बिल्ला। बदतमीज। रिलैक्स अनिका। चिल शिवाय चिल। Thank you.
ओमकारा रू रात स्टूडियो में होगा, रुद्र को फोन करती हूँ। अरे यार ये लेडी बाबू फ्रॉम हेल मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो टिया। हे रुद्र, हाउ आर यू? मैंने लंदन से तुम्हें पॉजिटिव एनर्जीज भेजी थी। आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेल्ट देम। टिया प्लीज तुम मुझे कैश भेज दिया करो यार, नहीं तो तुम्हारी कोई दोस्त होगी तो वो भी चलेगी। रुद्र यू सो फनी। Anyway, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं शिवाय को सरप्राइज करने घर आ रही हूँ, तो मेक श्योर वो घर पे हो। अब क्यों? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोग तो कल मिल ही रहे हो, और वैसे भी अगर आपको भाई को सरप्राइज करना है तो कोई समझदारी की बात कर दो, अपने आप सरप्राइज हो जाएंगे। रुद्र प्लीज अपने फोर जोक्स बाद में क्रैक करो, फिलहाल मैं जो कह रही हूँ वो कर दोगे प्लीज? जो मैं कह रही हूँ वो करो। इस टिया का कुछ करना पड़ेगा। आज जो तुमने किया उसमें तुम्हें शर्म आनी चाहिए रुद्र। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम टिया के ऐसे इंसल्ट करो। समझा ना रुद्र? इससे जैसे पसंद है तू टिया के इंसल्ट वैसे ही करेगा। ओम कम ऑन भाई, आप टिया को सीरियसली कैसे ले सकते हो? वो आपको दवाइयां गिफ्ट में देती है। अरे कौन सी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को दवाइयां गिफ्ट में देगी? आज तुमको करना मुझसे इजहार है। सजना क्या ये तेरा पहला बुखार है? शट अप रुद्र, बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर, ग्रो अप। भाई मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं पर रहूंगा तो छोटा भाई, और जब मुझे छोटा ही रहना है तो बड़े होके क्या फायदा? लॉजिक, आई एम अ जीनियस। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग टाइम पे आ गए, वरना मैं उन लोगों को ऐसा कुंग फू कर देता ना। ओ तू बिल्कुल दादी जैसा लग रहा है। मैं दादी ही हूं, और तुम लोग इतनी रात को कहां से आ रहे हो? ओए ये रात को काला चश्मा पहन के क्यों घूम रहा है? दादी वो एक्चुअली मैनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। दादी एक शेर सुनाता हूं आपको। ओ ब्यूटीफुल तुआडी ब्यूटी देख के हो गया माइंड बॉगल, तुआडी ब्यूटी देख के हो गया माइंड बॉगल, इतना शाइन करोगी सोनियो तो लगाने पड़ेंगे ना डार्क गॉगल। मैं भी देखूं क्या शाइन करता है। ओए लड़ाई करके आ रहे हो कि तुम? नहीं दादी मैंने नहीं की, भैया और वो लड़ाई कर रहे थे, मैं तो इन्हें बचाने गया था। चुप कर, मच्छर काट जाए तो रोना शुरू कर देता है, तू क्या बचाएगा किसी को? इधर दिखा और कहां कहां लगी है? यहां दादी यहां, और दादी यहां पे किसी अपने ने चोट दिए, और दादी वो पत्थर दिल आदमी इसी जगह पे, दादी ऐसे ऐसे वाल सेट करता है वो अपने, और दादी वो नहीं है। नौटंकी कहीं का, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। मैं जा रहा हूँ पेन किलर लाने, और दादी आप समझा दीजिए इसे, अगर दोबारा इसने ऐसी हरकत की या खुद को खतरे में डालने की कोशिश की ना तो I'll kill him. खाओ। देखा कितना प्यार करता है। रहने दो दादी, देख लिया मैंने इनका प्यार, बीच में आ गई टिया की दीवार। दादी भाई अब पहले वाले भाई नहीं रहे। I want the seating arrangements right away. Yes, ma'am. And you, मुझे पार्टी से पहले पूरी कटलरी पर्सनली इंस्पेक्ट करनी है, और वो सेंटर टेबल जहाँ मैं और शिवाय बैठेंगे वहाँ एक बिग क्रिस्टल वास रखना है, ओके? कौन सा उपवास रखना है मैडम? बिग क्रिस्टल वास, उपवास नहीं, ये उपवास क्या है? वही जो हम लोग कार्तिक एकादशी में रखते हैं जब सुबह से कुछ नहीं खाते हैं। You mean diet? Whatever. Oh.
अब एक्सप्लोजन में सिर्फ 15 मिनट बचे, कम से कम आधा घंटा। बेट वेयर्स द केक? जस्ट अ मोमेंट। केक जस्ट अ मोमेंट। हेलो, यस ओ, बॉम्ब फटने में सिर्फ 5 मिनट बचे। रुक जा, टाइम है अभी। hey, किस चीज में टाइम है बॉयज? भैया बॉम्ब फटने में, देखिए। तुम दोनों टिया की बात कर रहे हो? यस। अब तक आपने देखा कि लेडी बाबा ने सर्वेंट को कैसे डांटा, और हम जानते हैं कि बॉम्ब फटने में ठीक 5 मिनट बाकी। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हो गया, तुझसे बोल रहा हूं मैं। तुम दोनों को टिया से प्रॉब्लम क्या है? हा? मैं तुझसे ये बात कर रहा हूं, हर लड़की के लिए एंगेजमेंट इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन, और टिया भी उसे परफेक्ट बनाना चाहती है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? यू हैव अ प्रॉब्लम, और उसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन ये सब बात कैसे आ गई? टिया इज वेरी काम, शी इज वेरी कंपोज्ड। यक, ये केक है, इससे अच्छा तो मुझे जहर खिला देती। गेट लॉस्ट। तू कुछ कह रहा था ना, काम एंड कंपोज्ड। Guys are impossible. Oh, मैं शायद जीत गया। मुझे शाम तक मेरी कार मिल जानी चाहिए। अभी मैं दूसरा प्राइस कलेक्ट करने जा रहा हूँ। Excuse me. I'm so sorry. आपको इतनी डांट पड़ी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होंगी ना? Tell me all about it. मैं हूँ ना। मैं दूसरा केक लाता। नहीं, रहने दे पुत्र। और अब देख कि लोग केक की नहीं दुकान की तारीफ करते हैं। मतलब? बेटा, मैं देख रही थी कि तू केक को लेके कितनी परेशान थी, इसलिए मैंने यहाँ के सबसे बड़े होटल के शेफ से कह के तुम्हारे लिए ये खास केक बनवाया। खा के बताओ कैसा है। How sweet, grandma. Wow! This is amazing! Grandma, I love you! पता है, इतनी देर से मैं सोच रही थी, मुझे positive vibes आ रहे थे कि कुछ अच्छा होने वाला है। And now this, Grandma, I love you! Baby? All right. आप लोग प्लीज पेपर तैयार कराइए, मैं डील साइन करने आ रहा हूँ। Okay, gotta go. बेबी देखो ना, यूनिवर्स ने हमारे लिए कितना अच्छा केक भेजा है। ट्राई करो ना। लिसन, मैं चॉकलेट नहीं खाता। प्लीज मेरे लिए। भैया खा लो, एनर्जी मिलेगी। आई मीन पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बेबी रुक रुक, कम ऑन। यम। भैया प्लीज। हाँ प्लीज। It's good. Good news to the universe. आप तक क्यों भिजवाता है? Great. It's done then. मुझे यही केक चाहिए। ये कहाँ से है? Grandma ने 5 साल से मंगवाया है। तभी मैं इसके स्वाद से समझ गया। It had to be a really, really good chef. उधर 5 स्टार में क्या रखा है? वैसे भी स्वाद होटल के सितारों में नहीं, बनाने वालों के हाथ में होता है। ये केक किसी बड़े होटल से नहीं आया, बल्कि एक छोटी सी पारसी बेकरी से आया। Really? Wow, grandma. You know what? Our universe ने मुझे एक नया लेसन सिखाया है। And bigger places don't always mean better taste. Grandma, मुझे यही केक चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आया हो। Listen, dear, तुम सुबह से काम कर रही हो। I'll do this for you, okay? मैं फोन करके ऑर्डर कर लूँ। कॉल नहीं बेबी, प्लीज जाके पर्सनली एक केक ऑर्डर करो। आई डोंट वांट कि लास्ट मिनट पे कोई गड़बड़ हो जाए। प्लीज। ओके, मैं जाकर ले आऊंगा तुम्हारे लिए। ओके, थैंक यू। या बेटा देख, तेरा गून कितना सोना है, नाइस कलर ना, इसमें ना तेरी बूटी बड़ी खिलने वाली है। सब लोग कहेंगे सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई बहू है तो पिंकी की। ओह, यू मीन ब्यूटीफुल? हाँ जी, जैसे मेरी है। सारी लड़की
किया ना, they are chilling from me.